हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल ऑमलेट के एक और नए वीडियो में। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल की 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर की सीक्वल जब से अनाउंस हुई है, तभी से फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। गदर सनी देओल की करियर की सबसे बड़ी और यादगार फिल्मों में से एक है। गदर 2 के साथ एक बार फिर से सालों बाद फैंस को सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि सेकेंड पार्ट के साथ ही तारा सिंह के जिंदगी में मुसीबतें भी दुगनी बढ़ने वाली है, क्योंकि बता दें कि इस बार सनी देओल फिल्म में एक नहीं दो दो खूनखार विलेन से लड़ते हुए नजर आएंगे। बता दें रोहित चौधरी इस फिल्म के एक विलेन है और दूसरी तरफ गदर 2 में दूसरा विलेन है मनीष बादवा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मनीष बादवा इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी विलेन का किरदार निभा चुके हैं। फिल्म गदर का बजट जहां 19 करोड़ रुपए था, वही अब रिपोर्ट की माने तो अनिल शर्मा की गदर 2 का बजट 100 करोड़ के आसपास होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गदर 2 का शूटिंग बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। गदर 2 के सेट से बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। एक एक जगह पर खतरनाक खतरनाक सीन देखने को मिल रहा है। सनी देओल पाकिस्तानी आर्मियों से लड़ते हुए भी देखने को मिल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि फिल्म गदर 2 में सनी देओल 20 से 25 मिनट तक पाकिस्तानी आर्मियों से लड़ते हुए दिखने वाले है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गदर 2 इसी साल अगस्त महीने में रिलीज होगी। गदर मूवी जिस तरीके से लोगों के मन में बसा है, ठीक उसी तरह गदर 2 भी लोगों के दिल जीतने के लिए आ रहा है। अगर गदर 2 की स्टोरी गदर 2 मूवी जैसी होगी तो इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गदर 2 के लिए कमेंट में बताना। और अगर ऐसी न्यूज़ आपको रोज़ देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।